देखिबा फर्स्ट स्टेजेस ऑफ इशू नंबर वन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इट इज द फर्स्ट स्टेज इन इशू प्रोसीड्यूर जेतेबेले गोटे इन्वेस्टर्स तार मन को चिंता कला ना मुझे कंपानी रे इन्वेस्ट करी से प्रस्पेक्टस देखला निजी सैटिस्फाई कले मुझे इश्यू करी तेल से कनसर्न कंपानी जो कंपानी सेयार बिकुची तार जो एजेंट सब अच्छा थ्रो बैंक है जो प्राइवेट रही अंडरराइटर्स फैक्टर्स से कंपानी गोटे निर्धारित फर्म हासिल कर निर्धारित फर्म जोटा को प्रेस्क्राइब कराई से फर्म से भर से फर्म से डिटेल्स तार एड्रेस दबो तो केते शेयर किनिबा चाहूँ ता भी दबो प्रस्पेक्टस रे एप्लीकेशन बाबद को केते से पैसा दबा को पड़ो ता भी लिखाई थी ड्राफ्ट आकार हो मनी ऑर्डर आकार हो ताको शेड्यूल बैंक लिखाई थी प्रस्पेक्टस कौ बैंक को पठाइबाक पड़ो एप्लीकेशन भर दैट इज एप्लीकेशन स्टेज एप्लीकेशन जस्ट लाइक ऑफर बाय पब्लिक टू दि कंपनी जे शेयर किनिया को चाहू ता मान जे से शेयर होल्डर हो नुहे तो यही एप्लीकेशन गुड़ाक रिसीव हो अमाउंट गुड़ाक गोटे शेड्यूल बैंक रे डिपोजिट हो रही कंपनी रो जो बैंक ऑथराइज करथियो ता एई प्रक्रिया गोटे निर्दिष्ट पीरियड पर्यंत कंटिन्यू हबो क्लोज न हबा पर्यंत इशू एप्लीकेशन आसीबो एईटी आमे किछि प्रोविजन पढ़ीबा एप्लीकेशन रो जा मु अगेन कहितली सेती आ पूर्वरु से भी करिछि एंड आल्सो कंपनी एक्ट रे लिखाइछि तले एईटी कोन प्रथम प्रोविजन कहउछि मैं कहउछि गोटे कंपनी से भी कहउछि जे एटलीस्ट अति कम रे 25% ऑफ इशू प्राइस शुड बी प्रोवाइडेड बा शुड बी पेड एटलीस्ट बाय एप्लीकेंट अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी फॉर एग्जांपल कंपनी फिक्स करछि एप्लीकेशन टोटल शेयर 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच ना 10 ईच 10 इज द फिक्स वैल्यू बा नॉमिनल वैल्यू और अति कम रे से भी कहिछि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड 25% एप्लीकेशन सहित तुम्हें दब ये मुझेदेक चाहे जो गोटे कंपनी आट ए टाइम 10 टंका नोमिनाल वैल्यू निए ना गोटे शेयर होल्डर चाहिए गोटे एप्लीकेंट गोटे इन्वेस्टर चाहिए इंस्टॉलमेंट रे किस्ती अनुजाई ये 10 टका को सी दे पारे जहाँ को आम स्टेज वन पड़े एप्लीकेशन मिले जिते कंपनी तुमको कनसेंट दबो जे हाँ आम तुमको अप्रूव करूँ तुम एप्लीकेंट को से तुम ठार रिक्वायरमेंट कर एगेन आउ गोटे अमाउंट दियो दैट इज अलॉटमेंट बेले अलॉटमेंट स्टेज एप्लीकेशन स्टेज आम स्टेज वन चलती दैट इज स्टेज वन स्टेज टू वाला अलॉटमेंट स्टेज तार प्रोविजन पड़ा पुणी अलॉटमेंट प्रोविजन सर आम पुणी कंपनी को जहाँ दे रहा 10 टकर जहाँ रहा कंपनी मागिब तार रिक्वायरमेंट दैट इज कॉल स्टेज ये कॉल को पुणी मैक्सिमम तीन टा कॉल कराई फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल वर्तमान आम दैट इज स्टडी जहाँ को आम वर्तमान ये डिफाइन करचे दैट इज रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज द फर्स्ट स्टेज आर प्रोविजन कौन रहा से भी कौन कहला से भी कहला के एटलीस्ट के 25% एटलीस्ट एटलीस्ट मैंने अति कम रे अधिक आई पारे ऑफ इशू प्राइस हियर इशू प्राइस मींस द प्राइस इट इज द नॉमिनल वैल्यू जो प्राइस रे शेयर मार्केट रे किणा बिका हो दैट इज इशू प्राइस सही प्राइस रो अति कम रे एटलीस्ट तटरो अधिक आई पारे 25% ए के पूरी कोइला कंपनी एक्ट 2013 कौन कहला ना एटलीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर
percent of nominal value of share by issue price of the share. That is the application stage. Let us start the second stage of issue of share. That is allotment stage. Stage 2. What is allotment? Allotment is the procedures followed by company to allot, to give consent, give his willingness to sell his shares. आर अर्थ होला जत्ते बड़े हमरो एप्लीकेशन मनी समस्त एप्लीकेशन फॉर्म सब रिसीव हो जाउची शेड्यूल बैंक रे मनी डिपॉजिट हला एवं डेट क्लोज हो गला इशू डेट क्लोज हो गला बैंक रो दायित्व रहला एप्लीकेशन उडा को ता फॉर्म सहित ता मनी सहित सब उडा को कंपनी कंसर्न कंपनी के सेंड करिवो एप्लीकेशन फॉर्म उडा को पाइला परे से उडा को थोरली स्क्रूटिनाइज कला परे कंपनी कंसर्न एप्लीकेंट मानको डिसाइड करिवो जे आमे शेयर तुमको दबु बोली एटी गोटे प्रोविजन्स रहिछि दैट इज कॉल्ड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर एटी कोन प्रोविजन्स कंपनी फॉलो करिवो ना कंपनी से पर्यंत अलॉटमेंट करिवो ना अलॉटमेंट समानको शेयर बिके बोली कंसर्न दबो नाही जो पर्यंत प्रोस्पेक्टस रे मिनिमम अमाउंट केते एप्लीकेशन आसीबा दरकार ता आसी नथिबो सती के एप्लीकेशन मनी आसी नथिबो ताल से करिवो ने एटी गोटे रहला कंपनी एक्ट प्रोविजन कंपनी एक्ट कोन कहला 2013 ना मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस रे जो मिनिमम अमाउंट स्टेटेड करा छि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर छि ता जदी न आसीला तले एटा कंपनी ताले भी अलॉटमेंट होबो नाही दुई रे कहिला सभी कहिला इट वेरी इंपोर्टेंट जे मिनिमम 90% मिनिमम 90% ऑफ इशू प्राइस 90% ऑफ इशू जदी रिसीव न होला ताहाले से अलॉटमेंट करा जिवो नाही तले जदी ए प्रोविजन कंपनी एक्ट कहिला एटे अलॉटमेंट ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 39 ऑफ कंपनी एक्ट यू शुड रिमेंबर 39 सेक्शन ने रहिछ दीटा प्रोविजन जदी अलॉटमेंट कंपनी एक्ट कहूची जदी मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस रिसीव न होला सेटा केते कंपनी फिक्स करथबो प्रोस्पेक्टस रे ताले अलॉटमेंट होबो नाही कि से भी कहला 90% ऑफ इशू जदि न आसीला ताल भी हबो नाय ए 90% प्रोविजन को बा मिनिमम अमाउंट प्रोविजन को हमें कहू मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कलि हमें पढ़ी छ पूर्व क्लास रे सब्सक्राइब परचेज जदि न कले पब्लिक मिनिमम 90% ताहाले हमें अलॉटमेंट करि परिबा नाय दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अच्छा एक हम गोटे ऑप्शन आसु छी जदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन न आसीला ताले कंपनी कोन करिवो ना 15 दिन भीतर क्लोज होवार एप्लीकेशन जब क्लोज होला डेट जब इशू क्लोज होला तर 15 दिन भीतर से पैसा को फेरे दबो जति के ऑलरेडी अमाउंट आसी छ ताको रिटर्न कर दबो जदी 15 दिन भीतर लेट हला तले 15% इंटरेस्ट रे ताको रिटर्न करबो दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन मा मिनिमम अमाउंट जा न आसीले कंपनी अलॉटमेंट करि परबो नाही तले एटी आमे देखिबा काहे के मिनिमम सब्सक्रिप्शन आवश्यकता कोन ना कंपनी एक्ट रो प्रोविजन कहूची मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोन पई दरकार ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन हला बड़ कथा हला नो आसीले कंपनी प्रिलिमिनरी कंपनी रो जो मूलद्वा खर्च बेस रो जो खर्च होय छे ताकू भरणा करि परिबो नाही बा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एडजस्ट करिबो किबा परचेज करिबो असेट्स बा मशीन इक्विपमेंट्स ना नाही किबा जदी बरो करछि ताकू पेमेंट करिबो तले एही कारण पई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी गोटे फिक्स करची एटा केवल इनिशियल इशू पई तले एटी आमे देखिबा जदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज न हुए तले कंपनी अतरे कोन ऑप्शन रहिची ना देयर दीटा टू प्रोविजंस गोटे कहिला जदि इशू क्लोज रो 15 दिन भितरे जदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आसुनी तले इशू क्लोज होवार 15 दिन भितरे से पैसा एप्लीकेंट को फेरे दियाबो कारण समान को आमे शेयर अलॉट कले नाही जदि न फेरेला तले 15% पर एनम इंटरेस्ट रे ताकू फेरेया को ओडिबो कंपनी को केते दिन भीतर इशू क्लोज रो 15 दिन भीतर जदी न देला परे देला किबा प्रोस्पेक्टस इशू रो
120 दिन भीतर दबाक पड़ी और रिटर्न करियो पड़ी वो जो दी ताटर लेट अलग ताले इंटरेस्ट लग गो ताले इटा हमें जानी ले अलर्टमेंट रो प्रोसीड्यूर्स ताले अलर्टमेंट ए क्लियर है ले जे अलर्टमेंट कहीं की करा जाए अलर्टमेंट नॉले कौन हो तार प्रोविजन से भी प्रोविजन कौन हो कंपनी एक्ट रो प्रोविजन कौन हो अंडर सेक्शन 30 गला देन दैट इज लास्ट स्टेज इज योर कॉल स्टेज ताले कॉल स्टेज को हमें देखिबा कॉल स्टेज दैट इज स्टेज 3 कॉल कॉल मनी एटी हमें जनरली जानिबा जनरली कंपनी मैक्सिमम तीनोटी कॉल करि पारे दैट इज फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दैट इज फाइनल थर्ड और फाइनल कॉल थर्ड और फाइनल ई कॉल रे केते पैसा रहिबो तीनटा कॉल रे ता कंपनी रा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्धारण करथिबे एवं ता प्रोस्पेक्टस रे लिखा जाइथिबो राइट सेही अनुजाई देबे त लागे जानिबा व्हाट इज कॉल नै एटी टिके तुमको पिला माने रिमाइंड कर देबा को चाहे जेते बेले कंपनी शेयर अलॉट करि देला शेयर होल्डर को तले से माने कंपनी रो शेयर होल्डर हे गले एवं कंपनी से मान को गोटे सर्टिफिकेट इशू करिवो दैट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट से दिन से माने कंपनी रो शेयर होल्डर हे गले जस्ट अलॉटमेंट पर दिन जदि एप्लीकेशन होला पब्लिक थर ऑफर तले कंपनी तरफ से माने को तरफ होला अलॉटमेंट होला एक्सेप्टेंस जो कि ऑफर रहइबो एक्सेप्टेंस रहइबो आ गोटे कंसीडरेशन प्राइस रहला देन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड पब्लिक दैट इज शेयर होल्डर ताले सेही दिन तरु से लोको कंपनी रो शेयर होल्डर हेला एवं तारो कंपनी रो गोटे रजिस्टर मेंटेन होबो तब कोनी रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर ता नाम से रहइबो बाकी रहला थर्ड स्टेज रे कंपनी जो हमें 10000 शेयर एट द रेट 10 इज करथिले तादर एप्लीकेशन देला अलॉटमेंट देला आउ जा बैलेंस रहिला कंपनी ता रिक्वायरमेंट अनुसार कॉल करिवो जेतले कंपनी मागिवो सेतले सेतले शेयर होल्डर दबा को बाध्य आइदर इंस्टॉलमेंट रे तीनटा इंस्टॉलमेंट रे देई परिवो और एट ए टाइम देई परिवो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी कंपनी जेतले मागिवो ना नै किंतु मैक्सिमम तीन थरो मागि परिवो कॉलटा दैट इज कॉल स्टेज दैट इज कॉस्टेज कि तो एडी पिलर में रिमेम्बर करो अलॉटमेंट बेलो छ ऑलरेडी शेयर होल्डर है सारी छ तले एटी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल फाइनल कॉल भीतर प्रोविजंस कोन रही छ ना कंपनी एक्ट प्रोविजन कहू छ अति कम रे मिनिमम 1 मंथ गैप रहिबा दरकार एटलीस्ट 1 मंथ दर फर्स्ट कॉल आजि मागिला तले अति कम रे 1 मास गैप रहिबो कि 15 दिन पर मागि परिबोनी मास रहिबो आइ गो तीनटा कॉल मागि पारे दुईटा कॉल मागि पारे और एकाबेले मागि पारे दैट इज कॉल स्टेज तले हमें एटी आलोचना कले जे कॉल मनी आसीबो कि परी तीनटा स्टेज रे ना नै तले हमें आकू आरो अकाउंटिंग स्टेप्स को पढिबा जे अकाउंटिंग जर्नल्स प्रोसीड्यूर्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि परी गोटे कंपनी तारो शेयर को कलेक्ट करूची शेयर मनी को जतेबेले से इशू करूची तीनटा स्टेज मैक्सिमम एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल तले एटी टिक आउट के रिमाइंड कर देबा को चाहिबी जे जदि कंपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दउची जदि अलर्ट न करूची ताले सेमान को तांको मनी रिफंड कर दबो आउ सेमान को अलॉटमेंट करिवो नाही जदि अलर्ट कला ताहाले सेमाने शेयर होल्डर बनिले एवं सेमान को ऊपर कंपनी रो बाउंडनेस रहइबो सेमान को कॉल करिवे ते ऊपर नेक्स्ट क्लास रे हम को कमिंग रे पढिबा जदि सेमाने फेलियर होती ताले कोन हेई पारे दैट इज यू शुड रिमेंबर दैट इज फॉर फ्यूचर्स फर्पिचर हेले फर्पिचर रो मीनिंग कोन देन फर्पिचर से आप पूरी अगेन इशू हेई परिबो कि कोन एकुडा को हमें 1 बाय 1 पढिबा हमें कमिंग क्लास रे आर प्रॉब्लमेटिकल एप्लीकेशन पढिबा आउ कि परी हमें स्टेज रे देई के तीनटा स्टेज रे आसुचू आउ अलॉटमेंट रे जदी एक्सेस मनी आसुची ताले को तार कोन करा जीवो रिफंड होबो कि रिजेक्ट होबो कि समान को टोटली फेरे दिया जीवो कि टोटल रिजेक्ट करा हबो कि मा एडजस्टमेंट करा हबो इत्यादि इत्यादि विषय हमें प्रॉब्लम रे पढिबा थैंक यू नेक्स्ट क्लास आपको पिला माने नोट डाउन करिवो डिटेल्स को स्टडी करिकरी ओके प्रिपेयर के आसु थैंक यू।